धूमेन आव्रियते वहनेर यथा दर्शो मलेन च यथोलबेन आवृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। हरे कृष्ण। ये भगवद गीता का तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक है, 3.38। और ये श्लोक है बहुत मुश्किल श्लोक है, एक्चुअली ये वेरी डिफ़िकल्ट है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स आएंगे, ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको। काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है इस श्लोक में समझने में डिवोटीज़ को, और पूछते भी रहते हैं, बट एक्सप्लेनेशंस होती नहीं समझाने वालों के पास। बट इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर ध्यान से कोई पढ़े तो श्री प्रभुपाद ने सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं उसी को सब एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में एक्चुअली पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः, कि काम ही मुख्य कारण है व्यक्ति से कुछ गलत काम, गलत कार्य करवाने के पीछे काम का ही हाथ है। काम अर्थात भोग वासना या स्वार्थ की जो भावना है करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय में, उसी को काम कहते हैं। काम केवल स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं है। तो अब यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को अब बता रहे हैं कि धूमेन आवृयते वहनेर, धूमेन अर्थात धुआं, आवृयते मतलब आवृत करता है, कवर करता है, धुआं जिस तरह से वहनेर, वहनेर का अर्थ है अग्नि, धुआं जिस तरह से अग्नि को कवर कर लेता है ना, अग्नि कहीं आग जल रही हो लेकिन धुआं ज़्यादा हो रहा हो तो धुआं से ढक जाती है आग, पता नहीं लगता वहाँ इतना धुआं क्यों हो रहा है, तो पास जाके देखो तो आग जल रही है। यथा आदर्शो मलेन च, और जिस तरह से भगवान कह रहे हैं, जिस तरह से शीशा, आदर्शों का अर्थ है शीशा, जिस तरह से शीशा मलेन च धूल से ढक जाता है, यथो उलबेन आवृतो गर्भस, और जिस तरह से भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो गर्भाशय से, वूम से ढक जाता है, तथा तेनेदम आवृतम, उसी तरह से जीवात्मा की, हम मनुष्यों की या जीवात्मा की, सिर्फ मनुष्य नहीं सभी जीवात्माएं, जीवात्माओं की जो चेतना है वो काम से पूर्ण रूप से ढक जाती है, कॉन्शियसनेस पूरी ढक जाती है। मतलब ये इसमें भगवान लस्ट की डिग्रीज बता रहे हैं कि व्यक्ति किस हद तक लस्ट से या काम से या स्वार्थ वासना से या भोग वासना से किस हद तक वो नीचे गिरता है और किस तरह से वो ऊपर उठ सकता है। मतलब नीचे गिरता खास कर ये बताया गया, और किस तरह से इवॉल्वमेंट होती है, इवॉल्व कैसे होता है, फिर अल्टीमेटली ये तीनों स्टेजेस, भ्रूण गर्भाशय की जो स्टेज है तमोगुण की है, शीशा धूल से जो ढक जाता है वो रजोगुण की है, और अग्नि धुएं से ढक जाती है वो सतोगुण की स्टेज है। ये तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस श्लोक में, ये तीन ही, तीनों की ही भगवान उपमा देकर, इसी की एनालॉजी दे रहे हैं काम की स्टेजेस को समझाने के लिए, कि काम जो है, काम अर्थात लस्ट, भोग वासना, स्वार्थ वासना, वो किस हद तक काम करती है जीवात्मा की चेतना पर, इस श्लोक में ये बताया जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब इसका एक, मैं अभी तो सबसे पहले जनरल मीनिंग बताऊंगा, फिर इसकी और दो तीन एक्सप्लेनेशन हैं। जनरल मीनिंग क्या है, तो पहला पॉइंट है भ्रूण गर्भाशय से, भ्रूण गर्भाशय से ढक जाता है। अब यहाँ पे भ्रूण गर्भाशय से क्यों बताया जा रहा है, मतलब ये तीनों बताए क्यों जा रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, ये तीनों एग्जांपल्स भगवान क्यों ले रहे हैं, कुछ और भी एग्जांपल ले सकते थे, कि जैसे हाथी चींटी पे पांव रख देता है, या जैसे हैंडपम्प चलाकर हम बाल्टी भरते हैं, कुछ भी एग्जांपल दे सकते थे, लेकिन ये तीन एग्जांपल्स ही क्यों दिए हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले हम इसको लेते हैं भ्रूण गर्भाशय से, भ्रूण मतलब एक छोटा बच्चा जो माँ की कोख में होता है, वो ढक जाता है माँ की कोख से, अंदर ही होता है ना, तो वो उस अवस्था की तुलना तमोगुण से की गई है। तो भ्रूण को गर्भाशय से निकाला नहीं जा सकता, किसी भी हालत में नहीं निकाला जा सकता, ना वो खुद बाहर निकल सकता है भ्रूण गर्भाशय से, मतलब एक बच्चा ना खुद माँ की कोख से बाहर निकल सकता है, और ना हम उसको पकड़ के निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो मर जाएगा। उसी तरह से जो तमोगुण में जो व्यक्ति होता है, उसको हम ना तो हम अपनी इंस्ट्रक्शंस देकर कोई उसको
साधु पुरुष उसको अपनी इंस्ट्रक्शन देकर उसको उसकी तमोगुणी अवस्था से बाहर नहीं निकाल सकता, और ना ही वो अपनी हेल्प खुद कर सकता है, ना ही वो खुद अपने आप को ऊपर उठा सकता है आत्म अनुसंधान करके, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा तमोगुण में उस तरह से जिस तरह से एक छोटा बच्चा जो माँ के पेट में है वो वहाँ पे जकड़ा हुआ है, लॉकडाउन है ना, कैद है, उसी तरह से हम अपनी तमोगुणी अवस्था में कैद हैं, हम नहीं निकल सकते। मतलब ये जो अवस्था है भ्रूण गर्भाशय से तमोगुण की अवस्था, ये लस्ट की पराकाष्ठा है, ये काम की पराकाष्ठा, काम ने पूरी तरह से जीवात्मा को ढक दिया, ये इसमें बताया जा रहा है। तो इसको नहीं हम निकाल सकते। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 7:5:30 प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, उसमें श्लोक है, तो उसमें सबसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा, कि कृष्ण में मति कभी नहीं लगती ऐसे तमोगुणी व्यक्ति की, परतः स्वतोवा, परतः का अर्थ है चाहे दूसरा व्यक्ति भी उसको समझा दे कि कृष्ण की शरण लो तब भी उसको समझ नहीं आएगा ऐसे तमोगुणी व्यक्ति को, स्वतोवा, और स्व वो खुद भी अपने आप को भी इंस्ट्रक्शन दे दे तब भी उसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब आत्म अनुसंधान भी कर ले तब भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने तमोगुण में है, जब तक वो उसका निकलना मुश्किल है। तो ये जो जीवात्मा है ये अपने आप को तमोगुण की अवस्था से नहीं निकाल सकती। जैसे एग्जांपल के लिए भोगी ले सकते हैं, बिल्कुल तमोगुण में होते हैं, हम समझाते भी हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, नहीं समझ आता उनको, खुद तो अपने आप को उठा ही नहीं सकते, खुद आत्म अनुसंधान करेंगे तो उनको पता लगेगा कि शिव जी भगवान है और मैं भी भगवान हूँ, सोहम करना शुरू कर दे, कुछ भी करता रहेगा। तो ऐसा तमोगुण में व्यक्ति कुछ भी, या एथिस्ट हो गए, कई सारे एग्जांपल्स हो गए, कुछ नहीं कर सकता, वो पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, इस स्टेज से वो अपने आप को नहीं निकाल सकता। और इसलिए इस स्टेज से निकलने के लिए नॉलेज, इंस्ट्रक्शंस जो हैं, चाहे वो खुद से लें या कोई साधु पुरुष दे, वो रास्ता नहीं है इस स्टेज से निकलने का। इस स्टेज से अगर निकलने का या तमोगुण से रजोगुण में आने का अगर कोई एकमात्र रास्ता है तो वो केवल है हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल हरि का नाम ही इस स्टेज से हमें ऊपर उठा सकता है तमोगुण स्टेज से। इसीलिए श्री भक्तिनाथ ठाकुर हमेशा पार्क में जाकर चैंटिंग किया करते थे, ताकि बगीचे में, ताकि वहाँ पर पेड़ पौधे भी भगवान का नाम सुने, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं या जो पहाड़ हैं ये सब भ्रूण गर्भाशय में अर्थात तमोगुण की अवस्था में है, इनको ना इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और ना ये खुद इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, उपदेश ये ग्रहण नहीं कर सकते, इनको तो हरि नाम के द्वारा ही इनका उद्धार हो सकता है। थर्ड स्टेज आई भ्रूण गर्भाशय से, या सबसे पराकाष्ठा है ये लस्ट की, काम की। और फिर सेकेंड स्टेज है शीशा धूल से, भगवान कह रहे हैं ना आदर्शो मलेना चाहिए, यथा आदर्शो मलेना चाहिए, और भगवान बता रहे हैं कि अब ये मीडियम स्टेज है। एक्चुअली एक तो स्टेज हो गई इंटेंस या तीव्र, जो भ्रूण गर्भाशय से है जिसमें तमोगुण बताया गया, वो काम की इंटेंस स्टेज हो गई या तीव्र अवस्था हो गई। फिर दूसरी अवस्था है मॉडरेट या मध्य अवस्था या रजोगुण अवस्था, जिसमें शीशा धूल से ढका हुआ है। अब उसमें क्या बताया जा रहा है? उसमें बताया जा रहा है कि जो इसमें जो व्यक्ति होता है या इसमें जो जीवात्मा होती है वो अपने आप को एक्चुअली जिस तरह से, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जिस तरह से शीशा अपने ऊपर से मिट्टी खुद थोड़ा हटा सकता है, कोई दूसरा ही आके हटाए तो हटाए, उसी तरह से जो इस रजोगुण अवस्था में जो जीवात्मा होती है वो अपने आप को खुद से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता, कोई और उसको इंस्ट्रक्शन दे तो ऊपर उठ सकता है, वो खुद से अपने आप को इंस्ट्रक्शन देकर ऊपर नहीं उठा सकता। ये रजोगुण में स्थित व्यक्ति की गाथा है, ऐसे समझ लीजिए। पहली जो स्टेज है जिसमें काम जो है वो माइल्ड है, मृदु है, सतोगुण में स्थित है, इतना उसका अधिक प्रभाव नहीं है। इस स्टेज में जैसे फॉर एग्जांपल खुद को शीशे में देखने के लिए, फिर मान लीजिए जब उसको वो रजोगुण से सतोगुण में उसको कोई लाता है नॉलेज देकर, तो फिर खुद को देखने के लिए शीशे में लाइट भी तो चाहिए, लाइट कहाँ है? तो लाइट तो फिर ये है फर्स्ट, इसमें जो काम है वो अपनी जो लस्ट है जो अपनी डिग्री कम करेगा, जीवात्मा पर उसका इन्फ्लुएंस कम होगा। फिर इस अवस्था में जीवात्मा अग्नि की सहायता से खुद को देख पाएगी कि मैं कौन हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि सतोगुण अवस्था है, कोई गुणातीत अवस्था तो है नहीं।
और जिस तरह से धुआं आग से एक टाइम के बाद अपने आप ही हट जाता है ना। धुआं आग को कब तक ढक के रखेगा, आग प्रॉपर जब जलेगी धुआं अपने आप गायब हो जाएगा। उसी तरह से इसमें जो साधक होता है वो अपने आप को भी इंस्ट्रक्शंस देता है, आत्म अनुसंधान करने में सक्षम होता है, और दूसरा कोई आकर अगर उसको ज्ञान दे, इंस्ट्रक्शंस दे, तो वो उससे भी लेकर अपने आप को ऊपर उठाने का भरपूर प्रयास करता है। ये ऐसी अवस्था है। कहने का अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों से पार हो जाएगा तो वो गुणातीत अवस्था में पहुंच जाएगा, उसकी अग्नि पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगी, अर्थात उसको अपना स्वरूप रिवील हो जाएगा आत्मा को कि मैं भगवान का दास हूँ, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। इस तरह से ये तो एक जनरल मीनिंग है कि किस तरह से भ्रूण गर्भाशय से और शीशा धूल से या दर्पण धूल से और अग्नि धुएं से आवृत रहती है, और इन तीनों की उपमा सतोगुण रजोगुण तमोगुण से क्यों दी गई है वो सब अभी हमने डिस्कस किया। अब इस श्लोक को समझने का एक और दृष्टिकोण है। एक्चुअली इस श्लोक में ह्यूमंस और जो स्पीशीज़ हैं 84 लाख स्पीशीज़, 84 लाख योनियाँ, उन वो सभी इस श्लोक के अंतर्गत ही काम कर रही हैं। सभी जीवात्माएं काम से आवृत हैं, भोग वासना से, स्वार्थ वासना से आवृत हैं, कवर्ड हैं पूरी तरह से उनकी चेतना, तभी उनको 84 लाख योनियां भी मिली हैं। और 84 लाख योनियां मिलने पर अब हम इस श्लोक को उन 84 लाख योनियों में अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो ट्रीज़ हैं या माउंटेन्स हैं, पेड़ पौधे या पहाड़ इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? इन सबकी जो चेतना है, इनकी जो कॉन्शियसनेस है, वो आच्छादित चेतना है, पूरी तरह से ढकी हुई है, या जिस तरह से भ्रूण गर्भाशय से ढका होता है बस उसी तरह से इनकी चेतना पूरी तरह से ढकी हुई है। ये पूरी तरह से तमोगुण में है। इंटेंस लस्ट, इंटेंस काम या भोग वासना या स्वार्थ वासना इन पर काम कर रही है, कार्य कर रही है, क्योंकि ये अत्यंत ग्रॉस थे, बहुत स्थूल स्तर पर रहते थे अपने पिछले जन्मों में, इसलिए इनको ऐसा शरीर मिला। तो इनकी जो चेतना है वो पूर्ण रूप से आच्छादित चेतना है। और फिर दूसरा, शीशा धूल से, इनमें जो एग्जाम्पल आते हैं शीशा धूल से आवृत हैं, अर्थात रजोगुण अवस्था, इसमें जितने भी पशु पक्षी होते हैं, एक्वेटिक्स एंड एनिमल्स, सभी इस स्टेज में आते हैं, वो सब रजोगुण अवस्था में होते हैं। उनकी जो चेतना कहलाती है वो संकुचित चेतना है। उतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस मतलब वैसी भी नहीं है जैसी पहाड़ और पेड़ों की, वो तो उनकी कॉन्शियसनेस, तो चेतना का स्तर तो बिल्कुल ही डाउन है, वो तो ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं इनकी चेतना का स्तर थोड़ा सा ऊपर उठा है, इनकी चेतना को कहते हैं संकुचित चेतना। पहले आच्छादित चेतना पूरी तरह से तमोगुण से ढकी हुई, फिर उसके बाद संकुचित चेतना, थोड़ी सी अब इवॉल्व हुई है चेतना, कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो जानवर होते हैं इन ये इनको पता है कि ये मुझे मारने आ रहा है, तो वो भौंक सकता है या काट सकता है या डस सकता है, लेकिन पेड़ पौधे थोड़ा ना कुछ कर सकते हैं, या पहाड़ भी कुछ नहीं कर सकते, पहाड़ों को तो तोड़ ताड़ के शिमला बना दिया अंग्रेज़ों ने, और पेड़ पौधों को तो काटते ही रहते हैं सब, तभी तो फर्नीचर बनता है। लेकिन पशु पक्षियों को हम ऐसे काट पीट थोड़ा ना सकते, पशु पक्षी तो उसी वक्त हमला अटैक करेंगे, उनका भी दिमाग है, थोड़ा सा दिमाग है, इसलिए तो उनकी कॉन्शियसनेस थोड़ी डेवलप है। उनकी चेतना कहलाती है संकुचित चेतना, और वो रजोगुण के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो काम है, काम अपना मध्य स्तर पे अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है जीवात्माओं को, जिसको मॉडरेट कह सकते हैं आप इस तरह से, या मीडियम उसका इन्फ्लुएंस होता है जीवात्माओं पर। और फिर उससे ऊपर जो है, उससे ऊपर होते हैं ह्यूमंस, मनुष्य, मनुष्य जाति। मनुष्यों की चेतना अब और अधिक उन्नत हो चुकी है पशु पक्षियों के कंपैरिजन में और पहाड़ और पेड़ों के कंपैरिजन में, उनकी चेतना और उन्नत कहलाती है, इसलिए उनकी चेतना का जो स्तर है वो सतोगुणी चेतना का स्तर है, वो सतोगुण में आते हैं। और उनकी चेतना को कहते हैं मुकुलित चेतना, मुकुलित अर्थात बडिंग स्टेज ऑफ अ फ्लावर, ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल जब एक कली होती है फूल की वैसी स्टेज है। मतलब इस स्टेज में, इस स्टेज का की तुलना की गई है अग्नि धुएं से, जिस तरह से अग्नि धुएं से आवृत रहती है, उसी तरह से हम इस स्टेज को समझ सकते हैं। इसमें आप, क्योंकि कॉन्शियसनेस काफ़ी डेवलप हो चुकी है, अब मनुष्य तो चल भी सकता है, खा भी सकता है, सोच भी सकता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो इसमें चेतना का स्तर बहुत ऊपर तक उठ चुका है, इसलिए
मनुष्यों को सतोगुण में कहा जाता है, जानवरों को, पशु पक्षियों को रजोगुण में, पेड़ों को और पहाड़ों को तमोगुण में कहा जाता है। तो इस तरह से भी समझा जा सकता है। अब जो ह्यूमंस जो हैं वो सतोगुण में है और उनकी तुलना अग्नि धुएं से की गई है, जिस तरह से अग्नि धुएं से आवृत रहती है, क्योंकि धुआं जैसे ही हटेगा अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो जाएगी, मतलब काफ़ी इवॉल्व कॉन्शियसनेस है। अब जो भरत महाराज थे वो अपना सब राज्यभार छोड़ के चले गए थे और उनका एक हिरण से आसक्त होने के कारण फॉल डाउन हो गया। फॉल डाउन होने के कारण वो सतोगुण से रजोगुण में आ गए, पशु पक्षी बन गए ना, हिरण बन गए। तो उनकी चेतना संकुचित हो गई, इवॉल्व हो गई थी, मनुष्य थे लेकिन फिर उनकी चेतना एक एक स्तर नीचे गिर गई, संकुचित हो गई। और अब क्योंकि उनको अपने पिछले जन्म का याद था, इसलिए उन्होंने अपने आप को दोबारा से ऊपर उठा दिया, मुकुलित चेतना पर ले आए, ये दोबारा से ह्यूमन बन गए, जड़ भारत बन गए। और फिर उसके बाद एक और चेतना होती है जो पूर्ववर्ती आचार्य लिख रहे हैं, सतोगुण से ऊपर भी एक चेतना होती है, उसको कहते हैं गुणातीत स्टेज, या उसको कहते हैं प्रस्फुटित चेतना। मतलब चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो गई, कृष्ण प्रेम प्रकाशित हो गया, मतलब कृष्ण प्रेम ही प्रकट हो गया जैसे जड़ भरत को हो गया था। वो ह्यूमन से भी ऊपर की स्टेज है, ह्यूमंस और ज़्यादा जब इवॉल्व कर जाता है तो वो प्योर डिवोटी बन जाता है, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों स्टेजेस से बियॉन्ड चले जाता है। तो भरत महाराज ने अपने आप को फिर अगले जन्म में, जड़ भरत के जब उनको जन्म मिला उस जन्म में उन्होंने अपने आप को और ऊपर उठा दिया, शुद्ध भक्त के स्तर तक ले गए, गुणातीत हो गए। क्यों? क्योंकि उनको अपने पिछले जन्म का याद था। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जब पतन होगा, हम अगर नीचे की योनियों में गए तो हमें अपने पिछले जन्मों का याद नहीं होगा और फिर हम ऊपर उठा भी नहीं पाएंगे अपने आप को, ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट रहेगा, हम नीचे ही गिरते रहेंगे और फिर दोबारा से जाकर हम पेड़ पौधे और पहाड़ बन जाएंगे, हम पूरे तमोगुण में चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता है जितनी भक्ति करके इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं कर लो, फिर अगला जन्म पता नहीं कहाँ क्या होगा। भरत महाराज ने उठा लिया अपने आप को, हम पता नहीं उठा पाए ना उठा पाए, क्योंकि उनको तो अपने पिछले जन्म का याद था। तो हमें प्रस्फुटित चेतना के स्तर तक पहुँचना, अभी हमारा मनुष्य जन्म जो है इसे प्राप्त करके हमें पूरी जान लगा देनी चाहिए और भक्ति करके हमें अपने आप को और ऊपर लेके जाना चाहिए, अपनी चेतना को प्रस्फुटित बनाना चाहिए, केवल इस मुकुलित चेतना तक नहीं रहना चाहिए। अभी हमें ये ह्यूमन मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइयो, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर भी अगर हमने राधा कृष्ण, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, अगर भगवान राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो फिर और नीचे गिर जाएंगे, इसलिए और ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए भक्ति सही से करके। ये इस श्लोक का अर्थ है। और इस श्लोक को आप एक और तरह से भी हम इसको सोच सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं, शिल प्रपात भी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में ये। अब एक तो ह्यूमंस 84 लाख योनि पे श्लोक अप्लाई किया गया, और फिर अब केवल ह्यूमंस के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर। तो मनुष्यों के ऊपर जब हम इस श्लोक को देखेंगे, इस मनुष्यों को जब इस श्लोक के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो उसमें फिर तीन तरह के मनुष्य हैं। एक तो भोगी, भोगी आते हैं तमोगुण में, या दूसरे शब्दों में भ्रूण गर्भाशय से जो एग्जाम्पल है, जो एनालॉजी है, वो भोगियों के परस्पेक्टिव में दी जाएगी। फिर उससे ऊपर होते हैं योगी और ज्ञानी, वो थोड़े रजोगुण में आते हैं, वो जाके हिमालय पर्वत बैठ जाते हैं और कुछ ना कुछ टोटके करते रहते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए। वो आते हैं संकुचित चेतना में, उनकी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी डेवलप्ड है भोगियों के कंपैरिजन में, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही डेवलप्ड है, मतलब एक भोगी तो सोच भी नहीं सकता सपने में भी हिमालय पर्वत पर जाकर बैठने के लिए, तो उनकी डेवलप्ड है। लेकिन फिर भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो चेतना संकुचित चेतना है, जिस तरह से शीशा मिट्टी से, वो इंस्ट्रक्शंस दूसरों से डिवोटी से नहीं लेते, ये समझ लो। और फिर तीसरा है डिवोटी, डिवोटी सतोगुण में है, डिवोटी मतलब पूरी डिवोटी कम्युनिटी, ये सतोगुण में है, जो वैष्णव होते हैं वो सतोगुण में होते हैं। वो मान लो उनकी मुकुलित चेतना है और उनको पता चल गया कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये जीवन का लक्ष्य है, तो ये एक दृष्टिकोण है। और फिर एक और दृष्टिकोण है इस श्लोक को समझने का, जो केवल अब भक्तों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। एक दृष्टिकोण था जो मनुष्यों और जानवरों के ऊपर और पेड़ पौधों के ऊपर, मतलब 84 लाख योनियों के ऊपर हमने अप्लाई किया इस श्लोक को, ऐसे सब शिल प्रभुपाद भी और पूर्ववर्ती आचार्य भी लेकर चल रहे हैं। और दूसरे दृष्टिकोण में हमने इस श्लोक को मनुष्यों के ऊपर अप्लाई किया, जो है ना, जो ह्यूमंस हैं। और तीसरे दृष्टिकोण में आप ह्यूमंस में भी केवल डिवोटी के ऊपर। तो जब डिवोटी के ऊपर हम ये श्लोक को अप्लाई करेंगे
जब इस श्लोक को हम डिवोटीज के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें जो तीन जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, भ्रूण गर्भाशय से जो तमोगुण की अवस्था है उसमें आते हैं वैष्णव प्राय, जो कनिष्ठ वैष्णव होते हैं वो इस अवस्था में आते हैं क्योंकि वो तमोगुण में होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या, वो अपने आप को खुद भी नहीं निकाल सकते इंस्ट्रक्शन देकर आत्म अनुसंधान करके, और दूसरा भी कोई उनको उनको इंस्ट्रक्शन देता तो वो कहते हैं नहीं ठीक है हम तो अपने हिसाब से करेंगे, हमें पता है क्या करना है, लड्डू गोपाल रखेंगे घर पर, या फॉर एग्ज़ाम्पल अपना मंदिर जाते रहेंगे, सेवा करके आते रहेंगे, वैष्णव को भी प्रणाम नहीं करेंगे। वैष्णव से कुछ लेना देना नहीं होता कनिष्ठ को, विष्णु से लेना देना होता है, ये कनिष्ठ की परिभाषा है अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम। तो ये जो कनिष्ठ वैष्णव है इसकी तुलना की गई है भ्रूण गर्भाशय से, तमोगुण से। और फिर दूसरी जो अवस्था है, दूसरी अवस्था है कि शीशा धूल से आवृत रहता है, अर्थात रजोगुणी अवस्था, जो वैदिक भक्ति को अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। कनिष्ठ वैष्णव तो वैदिक भक्ति में अभी नया नया आई है, मध्यम वैष्णव वैदिक भक्ति को सही से फॉलो कर रहा है और उसको पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और जितना जितने विष्णु इंपॉर्टेंट है उतने ही वैष्णव भी इंपॉर्टेंट है, उसको ये भली भांति अब पता है, वो वैदिक भक्त है। और उससे भी ऊपर है रागानुगा भक्त, अर्थात वो पूर्ण रूप से सतोगुण में स्थित होता है, उसको पता है कि जीवन का लक्ष्य है विष्णु को प्रसन्न करना, भगवान कृष्ण से आसक्ति करना, यही उनके जीवन का लक्ष्य है। तो इस तरह से ये हम इस श्लोक को इन तीन चार दृष्टिकोण से समझ सकते हैं जो मैंने बताए। तो वो रागानुगा भक्त होता है जिसको पता है कि जो अग्नि धुएं से आवृत है सतोगुण अवस्था जो है, रागानुगा भक्त सतोगुण अवस्था में होता है, पूर्ण रूप से सतोगुण में, नष्ट अपराय शुभद्रेशु नित्यम भागवत सेवा, उसके ऑलमोस्ट सारे अनर्थ खत्म हो चुके होते हैं। क्योंकि साधना भक्ति की दो स्टेजेस होती हैं, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति, और फिर रागानुगा और साधना भक्ति के बाद फिर आता है भाव भक्ति और फिर प्रेमा भक्ति। तो इस तरह से हमने ये एनालाइज किया और पूर्ववर्ती आचार्य भी इस तरह से एनालाइज कर रहे हैं श्लोक को। आशा की काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स श्लोक है और